हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप देख सकते हो, आज मेरा फेस बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखा है तीज का। और शादी के बाद 4 साल होने वाले हैं अभी, और 4 साल बाद मैंने पहली बार व्रत रखा है ये। और ये देखो, ये मैंने कल ही मेहंदी लगवाया पार्लर से। तो अभी दोपहर है और मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूँ। और मैं अभी आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ। तो ये लहंगा भी पैक है, मैं जब पहनूंगी ना, पहनने से पहले मैं आपको पक्का दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। तो मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी मेहंदी जो मैंने पार्लर से लगवाई है, और ये मुझे 200 पर हैंड लगी है, मीन्स 400 की लगी है। आप बताना कि ये वर्थ इट है या नहीं है, मीन्स मुझे तो अच्छी लग रही है। आप बताना आपको कैसी लग रही है पहली बार के लिए मेहंदी। और यहाँ मम्मी वो बुक ढूंढ रही हैं, हरतालिका तीज का बुक, तो और वो उन्हें तैयारी वैयारी करना है तो वो उसमें लगी हुई हैं। और मैं अब आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ। चलो, तो ये देखो, ये मैंने लहंगा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाइन कलर का लहंगा है, तो मैं इसे पहनूंगी और तैयार होकर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मिठाई है, ये मेरे मायके से आई है। जैसे जो भी लोग बिहार या यूपी के हैं वो जानते होंगे मनरसा, मनरसा कैसे कहते हैं। तो ये मनरसा ऊपर आप देख लो, तिल है, और ये चावल के आटे से बनी रहती है, और अंदर इसके स्टफिंग रहती है खोए की। और ये सेकंड पैकेट है, इस पैकेट को हम खोलने पे मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। इसे हम कहते हैं खुरमा। ये देख लो, ये वाइट और ये ब्राउन कलर का ये खुरमा होता है खोए का। और यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने सारी अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहन ली है। अभी मैं थोड़ा मेकअप कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। और ये कुछ बैग्स से मेरी ब्लाउज़ की डिज़ाइन है, एंड ये मैंने न्यूड की आई शेडो पैलेट मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। और यहाँ मैं शुगर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, मुझे लिपस्टिक का शेड नहीं पता है। और ये देखो, ये मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ, मैंने पहन लिया अपना नथिया एंड सारी के सारी ज्वेलरी पहन ली। बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बहुत ही जल्दी में तैयार हुई हूँ। और कुछ ऐसा है मेरा मेकअप आज का, ये है मेरा लुक, देख लो आप। और ये चूड़ा मैंने ख़रीदा है अभी नया नया, और इसके साथ मैंने पहने गोल्ड के अपने बैंगल्स। तो मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ। तो ये हूँ मैं, देख लो आप कैसा लग रहा है मेरा लहंगा। और ये मैंने सर पे चुन्नी ले ली। और यहाँ पे हो चुकी है पूजा की तैयारी, हरतालिका तीज व्रत कथा है। यहाँ पे शंकर पार्वती हैं, विष्णु लक्ष्मी है, लक्ष्मी गणेश हैं, ये लड्डू है, ये फूल है चढ़ाने के लिए, और ये दिया है। और यहाँ पे आप देख लो सब कुछ है। तो मैं धीरे धीरे मम्मी जैसे बता रही हूँ वैसे मैं फूल चढ़ा रही हूँ, अक्षत डाल रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ, रोली लगा रही हूँ। तो जैसे जैसे वो मुझे विधि बता रही हैं करने का, वैसे वैसे मैं पूजा कर रही हूँ। वैसे ये व्रत करते हैं हर सुहागन अपने पति के लिए, पति के लंबी आयु के लिए। हम पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं, जिसमें हम कुछ भी खाना नहीं खाते हैं ना पीते हैं। ये हम अपने सुहाग के लिए करते हैं, हर एक लड़कियाँ करती हैं। और तो ये देखो, यहाँ पर मैं फल चढ़ा रही हूँ, और लड्डू भी मैंने चढ़ा दिया है। और जितना भी होता है हम सारा का सारा श्रृंगार का सामान भी देते हैं, जितने भी सुहागन का श्रृंगार का सामान होता है, जैसे आलता हो गया, ये देखो सिंदूर, बिंदी, कपड़ा। तो ये मेरा पहला तीज था, तो यहाँ मम्मी लेके आई थी। तो मैं सब कुछ जो जो वो मुझे दे रही हैं, जैसे जैसे बोल रही हैं, मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब कुछ चढ़ा लिया है, और अब यहाँ हमने दिया जला लिया। और दिया से हम पहले आरती करेंगे, और आरती करने के बाद ही कथा स्टार्ट होगी। तो कथा सुनना ज़रूर, और मम्मी पढ़ेंगी, फिर मैं भी कथा पढ़ूंगी, और ज़रूर से ज़रूर देखना इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। प्रसिद्ध व्रतों की भाग मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। ये तृतीया
तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो वहाँ कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी हो, या यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती शिव जी के पूजन के लिए केले के बंदवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सजित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी अस्त्र तथा अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से नीचे लिखी कथा पढ़ें। कथा पढ़ना है पूरा यहाँ से। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्प की बाला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कर्ण में मोस्क की माला पड़ी है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो खुले में निवास कर अंग त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देख के तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता अनुसार होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूँ। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अग्रपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी बात सुनी, आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरा मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही अपना आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और स्वर्ण चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तभी देवी पार्वती तुम अपने सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवता तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा, तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरे अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, हैं स्वामी, पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इस विधि एवं फल भी बताइए, इसके कारण में किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति की है अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस विधि को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों में मंडप बना के उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्य को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो।
शंख भेरी मृदंग आदि बजवाए, विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें, फिर भगवान शिव पार्वती जी की गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें, अनेक नौ वेदों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें, नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि ऋतु फल तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहा कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे सब कामनाओं को देने वाले देवी, कल्याण रूप से तुम्हारा नमस्कार है, कल्याण स्वरूप। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें, विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी तीज की कथा हो गई है और अभी हो रही है आरती की तैयारी। कथा कहने के बाद कथा थोड़ी सी लंबी हो गई और यहाँ हम लोग दिन भर से भूखे बैठे थे और कथा हो गया बहुत अच्छे से, पूजा वूजा हो गया। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ आरती होते हुए, और अब पूजा ख़त्म हो चुका है, बस आरती बाकी है। और जैसे ही आरती ख़त्म हो जाएगी वैसे ही मैं पानी पी लूँगी और उसके बाद कुछ फल खा लूँगी, तो फिर मेरा व्रत यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अब मैं सुबह ही खाना खाऊंगी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आज का बताना ज़रूर। तो ये हूँ मैं और ये है मेरी चेरी। हाय चेरी ने तो हाय ही नहीं बोला आज, है ना। और ये है मेरा लहंगा जो मैंने तीज के लिए स्पेशल लिया है। आप बताना ये मुझ पे कैसा लग रहा है। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।